मध्य प्रदेश में हो रही सियासत को लेकर बालाघाट सिवनी सांसद ढाल सिंह बिसेन का बयान, कहा कि इस बारे में हम क्या कहें, ये खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। सब राज्यसभा का खेल है, एक अनार सौ बीमार जैसे हालात है। वहीं सांसद ने कहा कि दिग्विजय सिंह को लगता है कि मैं राज्यसभा में जाऊं, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता है कि वो राज्यसभा में जाएं, या आपस की लड़ाई लड़ते हैं और ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ते हैं। दिग्विजय सिंह और सिंधिया को राज्यसभा चुनाव में जाना है, पर कमलनाथ दोनों को पसंद नहीं करते, इसलिए प्रियंका का नाम आगे कर दिया। कांग्रेस आपस की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस का एक वोट तो चला गया है, तो वहीं एक वोट की मशक्कत कर रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश में हम क्या कहें, वो खुद अपने आप संभाल नहीं पा रहे हैं। सारा खेल उनका राज्यसभा का है और वहाँ भी एक अनार सौ बीमार है। दिग्विजय सिंह को लगता है कि मैं जाऊँगा कि सिंधिया जाएंगे, उनको लगता है सिंधिया में भेजेंगे, दिग्विजय सिंह को भेजेंगे, प्रियंका को भेजें, लड़ाई उनकी आपस की है, ठीक रहा भाजपा के सिर पर फोड़ रहा है। देखिए राजनीति हरे की अपनी जगह, आप कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगाओ, आप बताइए कि जितने लोग निकल के आए उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने क्या जवाब दिया। असली बात यह है, दिग्विजय सिंह को जाना है राज्यसभा में, सिंधिया जी को जाना है राज्यसभा में, कमलनाथ जी इन दोनों को नहीं चाहते, किसी और को भेजना चाहते तो प्रियंका जी का नाम आगे कर दिया। तो लड़ाई उनकी आपस की है, क्योंकि उनका एक वोट तो चला जाएगा, एक वोट कौन सा है, उस एक वोट की सारी मशक्कत वो कर रहे हैं, और इसलिए उनकी पसंद का आदमी जाए दूसरा ना जाए, तो ये सारे खेल उनके आपस के हैं, इसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं। वहीं जब सांसद से पूछा गया कि भाजपा विधायक संजय पाठक के कारोबार में छापा पड़ रहा है, तो सांसद का कहना है कि कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है तो कांग्रेस का स्वभाव रहा है झूठा फुसाना, जब भी सत्ता में आते हैं वे फर्जी कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस का तो स्वभाव रहा है, कोई नई बात है क्या? कांग्रेस का स्वभाव रहा है जब भी सत्ता में आते हैं वो हमेशा दबाने का काम करते हैं, झूठे फंसाने का काम करते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल। आप मुझे बताइए 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, उमा जी से लेकर के शिवराज जी के कार्यकाल में कभी क्या किसी का कांग्रेसी के व्यक्ति को जबरन 151, 307, 302, 107, 16 ऐसे के फर्जी केस में फंसाया गया। पर यहाँ तो आप कुछ भी ना करें, एट्रोसिटी एक्ट लगवा देंगे, अनेक तरह इस तरह का एक दबाने का काम करते हैं। अभी आप देखिए मुझे